बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नु किचन। चलिए आज इफ्तारी की तैयारी कर ले रहे हम लोग, कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हम लोग, सिर्फ चिकन कीमा कचौरी और पिज़्ज़ा बना लेंगे। 2 कप मैदा ले लिया हम लोग, इसमें हम लोग नमक ऐड कर लिए स्वाद अनुसार। 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड कर लेंगे हाथ से क्रश करके। 1 कप दूध, अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। 6 से 7 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आटा भिगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए आटे का डो बना के रेडी कर लिया। ये देखिए 250 ग्राम चिकन ले लिए हम लोग। ये चिकन को अच्छे से बॉईल कर लिए। ये चिकन के खीमे के लिए प्याज चॉप कर लिए हम लोग। प्याज रेडी कर लेंगे अब खीमे के लिए। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम को रख दिए थे, तेल अच्छे से गरम हो गया। इसमें प्याज ऐड कर लेंगे चॉप। चिकन अच्छे से बॉईल हो गया, इसको ठंडे के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसका खीमा बना के रेडी कर लेंगे। प्याज में हम 1 चॉप्ड हरी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे, शिमला मिर्ची भी ऐड कर लेंगे 1 से 2 चम्मच। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। असर की आसान हो रही है। अब टाइम देखिए 5:30 हो रहे हैं। इफ्तार के टाइम तक पूरा रेडी होना है अपने को। पूरा जल्दी जल्दी बना के रेडी कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही प्याज की। थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिकन भी अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसका खीमा बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से खीमा बना के रेडी कर लिया चिकन का। अब हम ये प्याज में ऐड कर लेंगे चिकन को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच
मोजरेला चीज़ ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच मायोनीज भी ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा, ये देखिए अच्छे से खीमा बन के रेडी हो गया कचौरियों का, माशाल्लाह। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। सब में पहले हम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे, मीडियम साइज़ के बना लेंगे पेड़ों को। ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे पेड़े। ये देखिए मीडियम साइज़ का पेड़ा बन के रेडी हो गया, इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ के पेड़े बन के रेडी हो गए। चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। सब में पहले एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेके बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बेलना है अपने को चारों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से बेल लेंगे। अब हम इसको आधे आधे साइडों से फोल्ड कर देंगे। जो फोल्ड कर लिए थे वो हिस्से को पलटा देंगे। अब हम पीछे के हिस्से पे खीमा रख देंगे, ऊपर से थोड़ा मोजरेला चीज़ ऐड कर लेंगे। मोजरेला चीज़ ऐड करने के बाद साइडों से पानी लगा लेंगे अपन इसको कवर करने के लिए। पानी लगाने से अच्छे से कवर हो जाता है कचौरी। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह। ये देखिए एक कचौरी बनके रेडी हो गई अपनी। ये देखिए एक कचौरी बनके रेडी हो गई। इसी तरीके से इसे पूरे कचौरियाँ बना के रेडी कर लेंगे। पूरे रेडी होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दो कप तेल गरम को रख दिया हम लोगों कचौरी तलने के लिए। दूसरी तरफ पूरे कचौरियाँ बन के रेडी हो गए अच्छे से माशाल्लाह। अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम एक एक कचौरी रेडी कर लेंगे तल के। मीडियम फ्लेम पर तलना है अपने को, बादामी कलर की तल लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए चिकन खीमे की कचौरी। ये अच्छे से तलेगा जब तक अपन चिकन पिज्ज़ा भी बना के रेडी कर लेंगे। मैं आप लोगों को अब दिखा रहा हूँ चिकन पिज्ज़े की रेसिपी। ये देखिए कचौरी अच्छे से रेडी हो गई माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप भी कर लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए पिज्ज़े का बेस है ये रेडीमेड मिल जाता अपने को। ये हम लोग एक ले लिए। चलिए अब हम इससे चिकन पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए एक कटोरी चिकन को हम लोग अच्छे से ग्राइंड करके इसको खीमे के जैसा रेडी कर लिए चिकन को। ये चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे चिकन पिज़्ज़ा। ये देखिए पिज़्ज़ा बनाने के इंग्रेडिएंट्स, चिकन खीमा, शिमला मिर्च को कट कर लिए हम लोग चॉप कर लिए, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड कैबिज, पिज़्ज़ा चटनी भी ले लेंगे और हम इसमें सॉस हम भी ऐड करेंगे, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सॉस मायोनीज और मोजरेला चीज़। वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ। ये देखिए दूसरी तरफ अच्छे से रेडी हो गई कचौरी भी। अब अपने को खाली पिज़्ज़ा बना के रेडी करना है। ये पिज़्ज़ा का बेस अपने को रेडीमेड मिल जाता मार्केट में आसानी से।
चलिए अब हम इसको निकालेंगे कचौरियों को। चलिए सब में पहले हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। चिकन ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह आप लंबी इस तरीके से बना के देखिए, चिकन पिज़्ज़ा बहुत ही बेहतरीन बनता। प्याज ऐड कर लेंगे चॉप्ड। माशाल्लाह कैबेज ऐड कर लेंगे ऊपर से। टमाटर ऐड कर लेंगे चॉप्ड ऊपर से। शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह एक चम्मच टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे ऊपर से। एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर लेंगे। एक चम्मच मेयोनीज ऐड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे ऊपर से। अब हम लास्ट में मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे ऊपर से। माशाल्लाह ये देखिए, अब हम इसके बीच में एक बटर की क्यूब रख देंगे। अब हम ये पिज़्ज़े को बेक करने के लिए एक पैन में नमक रख देंगे। नमक रख के स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर एक थाली रख देंगे। अब हम वो थाली पे पिज़्ज़ा रख देंगे। ये बिना ओवन के भी बेक हो जाता अच्छे से। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट अच्छे से बेक करने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा। ये पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी हुआ। जब तक मैं आपको दस्ते रेडी करके दिखाता हूँ इफ्तारी का। अब टाइम भी 6:20 हो रहे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी हो गया, चिकन पिज़्ज़ा। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा। माशाल्लाह चलिए ये देखिए दस्तर बिछा के रेडी कर दिया हमने। आइए आप लंबी इफ्तार करने। चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए चिकन खीमे की कचौरी और ये पिज़्ज़ा। माशाल्लाह आप लंबी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही बेहतरीन बनता। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे भी कट करके खा सकते हैं इसको। चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।